We are going to learn the advanced form of verb. We have already studied the verbs, main verb, auxiliary verb. Now, in this lesson, we will learn the kinds of verbs that are finite verbs, non-finite verbs, transitive verbs, intransitive verbs. Let us learn what is finite verbs. फाइनाइट वर्ब्स का एक ही सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट की जो संख्या होती है और उस पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं. जैसे कि एग्जांपल बोले तो ही इज़ प्लेइंग और दे आर प्लेइंग. दिस आर द सिंपल सेंटेंस एग्जांपल ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. इफ वी विल टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स, लेट अस लर्न नॉन फाइनाइट वर्ब्स. बिफोर टू स्टार्ट नॉन फाइनाइट वर्ब, लेट अस लर्न वर्ब्स. If we will define in the term of finite and non-finite, verbs are of two types, finite verb and non-finite verb. Finite verb, a verb which is used according to the subject and tense. मतलब अगर verbs का एक subject हो और ये subject की संख्या जो होती है person के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उसे हम finite verb कहते हैं. Just for example, वकील washes the dishes. यहाँ पर वकील वॉशेज द डिशेज. सो यहाँ पर सब्जेक्ट और की संख्या जो है पर्सन के अनुसार यूज हुई है. दे वॉश द डिशेज. अगेन यहाँ पे दे वॉश, यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब में रिलेशन ये है कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है. आई वॉश द डिशेज. Let us talk about the non-finite verbs. Non-finite verbs किसी person या संख्या से limited नहीं होते. जैसे कि अगर example लेके I want to go to school. Hangama wants to go to school. They wanted to go to school. So verbal verb forms that are used as noun or modifiers. अब देखते हैं इसके तीन प्रकार होते हैं. फर्स्ट है gerund, then infinitive and participle. Infinitive, non-infinitive verbs के तीन टाइप होते हैं. That are infinitive, gerund and participle. एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं. पहले हम जान लेते हैं जेरेंड क्या होता है. तो जेरेंड बनाने के लिए, जेरेंड के लिए वी वन प्लस आई एन जी. जेरेंड एक प्रकार का वर्ब है जो आई एन जी में ख़त्म हो जाता है और जिसमें नाउन के सभी गुण होते हैं. जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें तो मीना इंजॉयज वॉचिंग टीवी. यहाँ वर्ब इंजॉयज है एंड जेरन बनाने के लिए हमने वी वन में आई एन जी का इस्तेमाल किया है. सो वर्ब प्लस आई एन जी, दैट इज कॉल्ड जेरन. सो वॉचिंग टीवी इज अ फ्रेज. अगर कुछ और सेंटेंस देखें, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज. आई लर्न ड्राइविंग. आई लव वॉचिंग टेलीविजन. तो अगर इन तीनों सेंटेंस में देखें तो स्विमिंग में वी वन प्लस आई एन जी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है. ड्राइविंग में वी वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है. बट इन ड्राइविंग में वी वन प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है. अगर वॉचिंग की बात करें तो वॉचिंग लव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेलीविज़न को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया जाए तो वॉचिंग वर्ब कार्य कर रहा है. तो वी प्लस प्लस आई एन जी को हम नाउन और वर्ब दोनों के रूप में लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. एक और समझने वाली बात है यहाँ पे कि कई वर्ब्स एडजेक्टिव फ्रेज के बाद टू का यूज़ होता है. यहाँ टू के बाद वी वन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग होगा. जैसे वर्ब प्लस यूज्ड टू
accusatum, to adverbs, to, with a view of, addict to, devoted to, in addition to, look forward to, object to, owning to, given to, taken to, prone to. He is addicted to smoking. Example sentence mein dekhe, he is addicted to smoking. I am looking forward to meeting you. He was used to driving on the right when he was in London. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर कोई फ्रेजल वर्ब टू में ख़त्म हो जाता है उसके बाद वी वन नहीं या फिर वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करेंगे. वी वन का नहीं बट वहाँ पर वी वन प्लस आई एन जी का यूज़ होगा. लेट अस गिव सम एग्जांपल. ईटिंग इज़ अ गुड फॉर हेल्थ. यहाँ पे ईटिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ. आई माइंड मेकिंग नोज. अब यहाँ पे मेकिंग ऑब्जेक्ट बन गया है. नेक्स्ट, हंगामा लाइक्स अबाउट गोइंग टू पाकिस्तान. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है. व्हाट आई हेट द मोस्ट इज कमिंग लेट. सो कमिंग यहाँ पर ऑफ टू बी. आई लव हिज क्राइंग. नेक्स्ट इज इन्फिनिटिव. लेट अस टॉक अबाउट द इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव क्या है? टू प्लस वर्ब वी वन. सो फर्स्ट इन्फिनिटिव की बात करें तो इन्फिनिटिव लिखने के लिए इन्फिनिटिव की पहचान है कि टू प्लस वी वन. इन्फिनिटिव एक प्रकार का नाउन होता है जिसमें वर्ब के भी गुण होते हैं. अतः हम इन्फिनिटिव को वर्ब नाउन भी कह सकते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले क्रिकेट इज इंटरेस्टिंग. आई कैन परफॉर्म प्रेयर. अब टू प्ले एज अ, यहाँ पर हमने इसको नाउन की तरह यूज किया है. आई कैन परफॉर्म प्रेयर. अगेन अब देखते हैं काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव. क्या क्या इन्फिनिटिव के टाइप होते हैं? सो ऑब्सोल्यूट इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, स्प्लिट इन्फिनिटिव और अब्रिज इन्फिनिटिव. लेट अस लर्न अबाउट दिस इन्फिनिटिव. ऑब्सोल्यूट इन्फिनिटिव, टू प्लस वी वन is called absolute infinitive. Just for example, to save money is difficult now, to study English is easy. Agar bare infinitive ki baat kare, to only base form of the verb is called bare infinitive. Jaise ki, Meena can cook rice. I make him study hard. Yahan cook aur study dono base form mein use hue hain, that's are called bare infinitive. If we will talk about the split infinitive, when 2 plus v1 is separated by an adverb is called split infinitive. जैसे कि example देख लेते हैं. She wants to slowly talk on the phone. यहाँ to slowly talk, तो यहाँ पर एक adverb use हुआ है जो separate कर रहा है to और talk को. slowly adverb use हुआ जिसने talk और to को separate किया. So this type of infinitive are called split infinitive. Again in one more sentence, I like to quickly tell the truth. Here quickly is an adverb and it is separating to and tell. So it is also a kind of split infinitive. Next is abridge infinitive. When the marker to is used alone and the verb is implied is called abridge infinitive. जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं. डू यू वॉन्ट टू प्ले सॉकर. आई वुड लाइक टू प्ले. यहाँ पर इसका यूज़ हुआ है कि एक जस्ट अ मार्कर टू यूज अलोन एंड वर्ब इज इम्प्लाइड इज कॉल्ड अब्रिज. सो दिस इज कॉल्ड द अब्रिज इन्फिनिटिव. यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव यूज किस तरह से करते हैं? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. टू प्ले सॉकर इज फन. एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. Example, she likes to play soccer. I want to get married. As an object of preposition, we can use verb infinitive. Example, Rubina is about to laugh. Meena is about to come. As a component of to be, example, her hobby is to play games.
What I love is to see her alone. As a verb of an object. Object complement. Example hai. She wants him to call her. I saw her teach in the class. As a qualifier of a verb. Example hai. She comes to learn. I went to see my folks in Pakistan. Next. As a qualifier of a noun. As an adjective ki form mein bhi iska use hota hai. Jaise, it is his ability to solve the problem. It is time to earn money. As a qualifier of an adjective, as an adverb. So how we use? We are glad to see each other. It is nice to call her on the spot. If we will talk about common verbs followed by either infinitive or gerunds. The following verbs are followed by both gerund and infinitives with no difference in meaning. Jaise ki dekh lete hain yahan pe. Begin, start, continue, like, love, prefer, hate, can't stand, can't bear. Example, I began teaching here, I began to teach here, I was beginning to teach here. The following verbs are followed by both gerund and infinitive with difference in meaning. Ye dono hi verbs, gerund aur ye sare verbs jo hai, gerund और infinitive दोनों की तरह use होते हैं, अलग अलग उसके meaning होते हैं, जैसे कि remember plus infinitive, to remember to perform one's duty responsibility. So, अगर देखें example, I remember to take her books. Remember plus gerund, to recall something that happens in the past. She remembers going to India. As we see, first sentence में, यहाँ पर remember को, इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हो रहा है यहाँ जेरेंट की तरह यूज़ हो रहा है नेक्स्ट फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव फॉरगेट टू परफॉर्म वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जांपल आई फॉरगेट टू वॉश माय कार फॉरगेट प्लस जेरेंट फॉरगेट प्लस जेरेंट फॉरगेट समथिंग दैट हैपन इन पास्ट एग्जाम्पल शी फॉरगेट रिसीविंग मी लेट अस टॉक फॉरगेट प्लस इन्फिनेटिव सॉरी टू Tell bad news. Example, I regret to tell you that I lost your gift. Regret plus gerund. Sorry about something that one did not in the past. I regret going to Pakistan. Try plus infinitive. To attempt to struggle or effort to make effort. I tried to pass the exam. Try plus gerund. To examine something whether it works or not. Example, I tried using all the mobiles. Infinitive of purpose. Whenever we talk about purpose, we use in order to. Example, dekh lete hain. We eat in order to live. We eat to live. We eat for live is incorrect here. Agar hum aise likh dete hain, we eat to for live, ye wrong sentence hoga. How we should write? We eat to live or we eat in order to live. Note. In the contraction form in order to. For isn't used to show purpose. Exception. When it is used with the phrase be used for gerund to show common or general purpose. Example, pens are used for writing. Pens are used to write with. Possible. I go to bazaar for bread. That is also possible. Adjectives followed by infinitives. Here adjectives are used to describe a person or person, not a thing. Example, Rubina is happy to meet me. Shazia is upset to go to Pakistan. Infinitive with to and enough. Example, the weather is too hot to play soccer. The weather is very hot but we can play soccer. In class is big enough to study in it. The class has student enough to take exam. The class has enough student to take exam. Now, let us talk about the passive and past forms of infinitive gerund.
passive and past forms of infinitive and gerund. Let us learn present active infinitive, subject plus infinitive verb, 2 plus verb, infinite verb. Next is example, he wants to play soccer. Rubina refuses to call me again. Present passive infinitive, subject infinitive verb, 2 be plus third verb. Here example is Abdullah wants to be taught. Baki wishes to be annoyed. Past active infinitive, subject plus infinitive verb plus 2 plus have plus third verb. Examples, Jasmine decided to have studied English. They needed to have stolen money. Past passive infinitive, subject plus infinitive verbs, to have been plus third verb. Example, Meena managed to have been helped. She is happy to have been written a letter. Present active gerund, subject plus gerund verb plus V plus ing. Examples, Shakila finishes writing a letter. She postpones visiting her friend. Present passive gerund, subject plus gerund verb plus being third verb. Examples, Arju minds being teased in the class. Kareem enjoyed being watched by his friend. Past active gerund is subject plus gerund verb plus having plus third verb. Examples, Hangama appreciates having gone to Pakistan. Wali dislikes having studied. Past passive gerund, subject plus gerund verb plus having plus been plus third verb. Examples, I appreciated having been given the chance. They deny having been taken away. Using gerund or passive infinitive following need. Example, she needs to buy a car. The car needs repairing, fixing or developing situation. The car needs to be repaired. Using a possessive to modify a gerund. So, for example, Meena likes my writing a message. This is a formal. And if you will talk about informal, Meena likes me writing a message. I love Rubina's laughing. That is formal. I love Rubina laughing. That is informal. Verbs of perceptions are those verbs which refer to the five senses of human being, that are smell, taste, see, hear and touch. They are also called sense verbs. Subject plus sense verb plus object plus verb. This structure shows that one has seen or heard the action completely from the beginning to the end. Example, I saw Rubina cook rice. Subject plus sense verb plus object plus verb ing. This structure shows that only a part of someone's action has been seen or heard, not a complete action. इस तरह के सेंटेंस का मतलब है कि किसी ने उस एक्शन को पूरा होते हुए नहीं देखा, किसी ने सुना है या देखा है जो वो एक्शन हो रहा था, नॉट कंप्लीट एक्शन. जैसे आई सॉ रुबीना कुकिंग, आई सॉ रुबीना कुकिंग राइस. काउजेटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट द वर्ब ऑफ विच डजंट परफॉर्म द एक्टिविटी बट इट काउजेस द ऑब्जेक्ट टू डू इट. For example, I had Kareem open the door. Rubina makes Hangama clean the room. Make, have, let's get and help. Make, to force someone to do something. It is followed by bare infinitive. For example,
Ali makes Laila wash the car. Arju made Dilruba write a letter. Rubina was made to wash the dishes. Have to hire to choose someone to do something, it is followed by bare infinitive. For example, Kareem had Wali bring a chair. Let to allow someone to do something, it is followed by bare infinitive. Example, I will let her come in. Get to persuade to encourage someone to do something, it is followed by full infinitive. I get Arju to get married. Help to assist someone to do something, it is followed by either full or bare infinitive. Example, Yashmin will help Hangama write HW. Sabnam helps Kareem to cook rice. Special expression followed by the ing form of a verb. Spent, waste, plus expression of time or money, plus gerund. For example, Ali spends 20 rupees watching TV. Kareem wastes 2 hours walking on the road. Sit, stand, lie, plus expression of place, plus gerund. For example, Rubina sits on mattress reciting the Holy Quran. Kareem stood in the class calling Kareema. Wakil lies in the bed writing messages. Find, catch, plus pronoun, plus gerund, means to discover. Jaise, I found Hangama chatting with her mom. She caught Arju eating rice. Let us learn now the phrasal verbs. A phrasal verb is equal to a verb plus a participle. For example, put off. Put is verb and off is participle. So, let us learn something about the participle. फ्रेजल वर्ब को जानने से पहले थोड़ा सा पार्टिसिपल हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है. तो पार्टिसिपल जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो पार्टिसिपल है. और पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर वी प्लस आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल जो वी थ्री होता है जैसे ड्राइव का ड्राइवन. नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल उसमें हैविंग प्लस वी थ्री होता है. तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं. सो हियर इन दिस सेंटेंस वर्ब पुट इज अ वर्ब एंड ऑफ इज अ पार्टिसिपल. पुट ऑफ माय ट्रिप, आई पोस्टपोन माय ट्रिप. सो पुट ऑफ का मतलब यहाँ पर पोस्टपोन होता है. द वर्ब एंड पार्टिसिपल हैव अ स्पेशल मीनिंग. व्हेन यू यूज सेम वर्ब विथ डिफरेंट particle, the meaning changes. Put off का मतलब होता है to response. Put on का मतलब होता है to cover your body with clothes. If you will talk about put back का मतलब होता है to return something to its original place. Put away का मतलब होता है to put something in its original place. Some phrasal verb have more than one meaning. कुछ phrasal verb के एक से ज़्यादा meaning भी होते हैं. क्या है वो, चलिए देख लेते हैं. जैसे कीप ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, नॉट टू रिमूव समथिंग या फिर रिमूव. यहाँ पे अगर टेक ऑफ की बात करें, टेक ऑफ मतलब रिमूव, टेक ऑफ मतलब लीव भी होता है. सो दे आर वेरी कॉमन स्पेशली इन इनफॉर्मल इंग्लिश. काइंड्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब के काइंड्स अब हम देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब के कितने टाइप होते हैं. तो फ्रेजल वर्ब दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव अगेन सेपरेबल, इनसेपरेबल, मस्ट बी सेपरेटेड. ट्रांजिटिव
अगेन थ्री टाइप्स के हो जाते हैं, सेपरेबल ट्रांजिटिव, इनसेपरेबल ट्रांजिटिव और मस्ट बी सेपरेटेड। इनसेपरेबल ट्रांजिटिव दैट थ्री वर्ड वर्ब्स। लेट अस लर्न ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, दीज वर्ब्स हैव ऑब्जेक्ट्स। जब वाक्य में क्रिया के बाद, वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आर यू राइटिंग डाउन दीज नोट्स, यहाँ पर राइटिंग डाउन यहाँ पर क्या है कि एक वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो राइटिंग डाउन, एक ऑब्जेक्ट लगाया तो क्रिया क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे देखें, आई हैवंट कॉल्ड मिस्टर विल्सन बैक, आई हैवंट कॉल्ड मिस्टर विल्सन बैक। थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं ट्रांजिटिव के। आई राइट एसे, यहाँ पे क्या है, राइट वर्ब है और एसे ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, चिल्ड्रन यहाँ पे फ्लाई वर्ब है और काइट्स ऑब्जेक्ट है। तो जब भी वाक्य में वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स। चलिए पढ़ लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। तो द वर्ब्स डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट्स, मतलब जब एक सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़े तो ऐसे वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टोनीज कार ब्रोक डाउन। अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बर्ड्स फ्लाई एक कंप्लीट सेंटेंस है। सी स्लेप्ट, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। टोनीज कार ब्रोक डाउन। जेन ग्रू अप इन अ स्मॉल टाउन। तो अगर वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म में होता है तो वर्ब के नाम से, उल्लेख से ही क्या होता है, क्या जैसे सवाल उठते हैं। जैसे ही किल्ड, अब यहाँ पे क्या किल्ड, किसने क्या किसको मारा, ही किल्ड अ रैबिट, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है। आई हेल्प मतलब किसे, आई हेल्प्ड हिम। अगर काउजेटिव वर्ब की बात करें तो काउजेटिव वर्ब में क्या होता है कि हैव गेट मेक का प्रयोग काउजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ही हेल्प्स द पुअर, यहाँ सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन जब सब्जेक्ट ही वर्ब को एक्सपीरियंस करे, यानी जो वर्ब का इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर ना पड़ के सीधा सब्जेक्ट पे पड़े, तो उसे काउजेटिव वर्ब का यूज होता है। जैसे ही गॉट काउट, यहाँ पर जो वर्ब का असर है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। द इन्वायरमेंट गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू आवर इग्नोरेंस। तो कई बार क्या होता है, वाक्य से तात्पर्य ये निकलता है कि सब्जेक्ट किसी काम को करता नहीं बल्कि करवाता है। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट वन कार्य करने वाला और सब्जेक्ट टू का मतलब काम कराने वाला, जैसे प्रत्यक्ष बोलते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे वो मौजूद होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई मेड हिम डू द वर्ल्ड होल वर्क। जैसे ऐसे एग्जाम्पल में आई यहाँ पर सब्जेक्ट टू हो जाता है, आई मेड हिम, मेड हिम यहाँ मेकिंग अकॉर्डिंग टू टेंस, और हिम यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता हो जाता है जो काम करता है। तो एस वन सब्जेक्ट वन, डू वी वन हो जाता है क्योंकि उसने खुद काम किया। द होल वर्क इज ऑब्जेक्ट। लाइक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब, मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल। द वर्ब एंड द पार्टिसिपल कैन बी सेपरेटेड। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, You can put the noun after the participle. Jimmy put on his coat. Or put the noun between the verb and the participle. तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको change करके noun को verb और participle के बीच में डाल सकते हैं। Like this, Jimmy put his coat on.
When the object is a pronoun, you must put it between the verb and the participle. Jimmy put it on. Jimmy put on it is incorrect here. When to separate phrasal verbs? अब इसकी जरूरत क्या है, कब करनी चाहिए हमें ये सेपरेशन? तो यू कैन सेपरेट द वर्ब्स एंड द यू कैन सेपरेट द वर्ब एंड द पार्टिकल व्हेन द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ जस्ट अ फ्यू वर्ड्स लाइक मिस्टर विल्सन कॉल्ड हिज अपॉइंटमेंट ऑफ. When not to separate phrasal verb? ये भी बहुत important है याद रखने के लिए, कब हमें phrasal verb को separate नहीं करना है. You cannot separate the verb and the particle when the object is longer than four words. अब अगर four words से ज़्यादा लंबा object है तो हम उसे separate नहीं करेंगे. जैसे Mr. Wilson call off his 3:30 appointment with Dr. Smith. Mr. Wilson call his 3:30 appointment with Mr. Dr. Smith off. यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा सेकेंड वाला, तो यहाँ पर हम सेपरेट नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज inseparable phrasal word. Inseparable phrasal verbs क्या होते हैं? सो लेट अस सी inseparable phrasal verbs. The verb and the particle can't be separated. अब इस ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते. With these verbs, you cannot put the object between the verb and the particle, even when the object is a pronoun. Yesterday I ran into Alan. Yesterday I ran into him. Yesterday I ran Alan into. ये word गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो ये inseparable है. Yesterday I ran into Alan. Yesterday I ran him into. ये भी गलत हो जाएगा. Yesterday I ran into him. तो phrasal verbs that must be separated. There is a small number of the verbs. So keep these points in your mind. There is phrasal verbs that must be separated. There is a small number of these verbs. With these verbs, you must put the object between the verb and the particle. Tina kept her jacket on is right. And Tina kept on her jacket is wrong. Three-word phrasal verbs. Let us learn the three-word phrasal verb. These verbs are usually inseparable. Phrasal verb plus a preposition. Tina dropped out of school. Joe went back to his country. Review now two-word phrasal verbs. Ask, blow, break, cross, eat, figure, fill, find, go, hand, help, point, print, put, take, throw, down, break, fall, put, sit, tear, turn, write, up. किस में हम कौन से phrasal verb use कर रहे हैं? अभी हम ये देख रहे हैं, जैसे हमने पहला देखा अभी यहाँ पर कि out के साथ क्या क्या phrasal verb लग सकते हैं. तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि out के साथ कौन कौन से phrasal verb लग सकते हैं, तो ask out, blow out, break out, cross out, eat out, figure out, fill out, find out, go out, hand out, help out, point out, print out, put out, take out, throw out. Down के साथ क्या क्या phrasal verb बन सकते हैं? Break down, fall down, put down, sit down, tear down, turn down, write down. Next is up. Up के साथ क्या क्या phrasal verb बन सकते हैं? Break up, bring up, call up, cheer up, clean up, dress up, fill up, get up, give up, throw up, grow up, hang up, look up, make up,
पिक अप, शो अप, स्पीक अप, स्टैंड अप, स्टे अप, टियर अप, टर्न अप. नेक्स्ट इज बैक, ब्रिंग बैक, कॉल बैक, कम बैक, गेट बैक, गिव बैक, गो बैक, पे बैक, पुट बैक, सिट बैक, टेक बैक, टर्न बैक. नेक्स्ट इज ऑन, ऑन के साथ हम क्या क्या फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं. सो कॉल ऑन, गेट ऑन, गो ऑन, हैव ऑन, लीव ऑन, पुट ऑन, ट्राई ऑन, टर्न ऑन, ऑफ. नाउ ऑफ के साथ क्या क्या फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं. सो कॉल ऑफ, गेट ऑफ, ले ऑफ, पुट ऑफ, शट ऑफ, टर्न ऑफ. इन, इन के साथ हम क्या क्या फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं. कम इन, फिल इन, गेट इन, हैंड इन. नेक्स्ट इज ओवर, ओवर के साथ क्या बना सकते हैं. गेट ओवर, गो ओवर, लुक ओवर, स्टार्ट ओवर, स्टार्ट ओवर, टॉक ओवर, थिंक ओवर, टर्न ओवर. नेक्स्ट थ्री वर्ड के फ्रेजल वर्ड हम कैसे बना सकते हैं, चलिए देख लेते हैं. विथ, विथ के साथ हम बना सकते हैं कम अलोंग विथ, फूल अराउंड विथ, गेट टुगेदर विथ, गेट अलोंग विथ, गेट थ्रू विथ, हैंग अराउंड, हैंग आउट विथ. ऑफ के साथ क्या बना सकते हैं. ड्रॉप आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ, मूव आउट ऑफ, रन आउट ऑफ, टियर आउट ऑफ. अलोंग विथ टू, कम ओवर टू, गो बैक टू, गो ओवर टू, मूव इन टू. फ्रॉम के साथ क्या बना सकते हैं. गेट बैक फ्रॉम, कीप अवे फ्रॉम. सो हाउ कैन आई लर्न, लास्ट क्वेश्चन. आशा करती हूँ आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स जो लास्ट में मैंने रिव्यू कराए वो सारे आप नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप उसको याद रख सकें कि फ्रेजल वर्ब्स किस किस के साथ क्या क्या एडिशन होता है. एंड लास्ट वन क्वेश्चन अराइज, हाउ कैन आई लर्न द फ्रेजल वर्ब. कैसे आप सीख सकते हैं फ्रेजल वर्ब्स. बाय हार्ट, यस यू कैन लर्न बाय हार्ट, यस. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक फ्रेजल वर्ब एंड वर्ब वेरी वेल. सो हिट अ लाइक and subscribe the channel for more such videos and keep learning, keep watching My Gurukul by Shruti V. Pandey. Thanks for watching.